स्वागत है आपके प्रोडक्शन से स्टॉक ग्रुप हम स्टॉक का एनालिसिस करेंगे। उसका नाम है हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड। ये वीडियो बना रहे हैं तो स्टॉक ट्रेंड हो रहा है 11.80 रुपये पर। वीडियो बाहर बना रहा हूँ, बैक साइड में कुछ आवाज़ें आ सकती हैं, आप उससे वॉच कीजिए। जैसे आप लोग चार्ट पे वहाँ पे चेक करेंगे स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया। स्टॉक ने मैक्सिमम टाइम में जो रिटर्न दिया है वो दिया है 63.89%, 5 ईयर रिटर्न दिया है 68.57%, 1 ईयर रिटर्न दिया है 114.55%। पिछले 1 सालों में स्टॉक दुगना हो चुका है। 8 ईयर रिटर्न दिया है 55.26%, 6 मंथ में रिटर्न दिया है 43.90%, 1 मंथ में रिटर्न दिया है -3.67%, 5 डे में रिटर्न दिया है -3.67% एंड 1 डे में रिटर्न दिया है -2.88%। वेबसाइट पर यहाँ पे और डिटेल एनालिसिस करेंगे हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड का। तो कंपनी के बारे में जानते हैं। हिंदुस्तान मोटर्स इज प्राइमरी एंगेज इन मैनुफैक्चर एंड सेल ऑफ व्हीकल। जो कंपनी है हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड, इसका जो मुख्य बिजनेस है ये व्हीकल्स को बनाती है, उसको बेचती है। स्पेयर पार्ट्स ऑफ व्हीकल्स, व्हीकल के स्पेयर पार्ट्स को बनाती है और उसको बेचती है। स्टील प्रोडक्ट्स एंड कंपोनेंट्स, स्टील प्रोडक्ट्स और कंपोनेंट्स को बनाती है और उसको बेचती है। द कंपनी इज ऑल्सो एंगेज इन ट्रेडिंग ऑफ स्पेयर पार्ट्स ऑफ व्हीकल। और कंपनी स्पेयर पार्ट्स ऑफ व्हीकल ये भी करती है, ट्रेडिंग भी करती है, उसका व्यापार भी करती है। मैं चलता हूँ इसकी वेबसाइट पे। अपनी वेबसाइट है हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड का भी खुद का वेबसाइट बनाई गई है। सब गाड़ियाँ आपने पहले देखी होगी, कंप्यूटर तो जिसने देखी होगी पहले, कंप्यूटर में भी इनके काफ़ी अलग अलग मॉडल्स थे, काफ़ी चली थी ये गाड़ी। उसके बाद इनकी एक ये भी है विनर करके, इनकी एक व्हीकल आती है जो कि माल की ढुलाई के काम आती है। काफ़ी खूबसूरत वेबसाइट बनाई है, आपको और जानकारी चाहिए वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इसकी जो मार्केट कैप है 254 करोड़ की है। इसकी जो करंट प्राइस है 12.2 रुपीज़ की है। इसका जो 52 वीक आई 18.2 रुपीज़ का, 52 वीक जो 2.515 रुपीज़ का है। स्टॉक की जो पी है 746 की है। इसकी जो बुक वैल्यू है -0.84 रुपीज़ की है। इसकी डिविडेंड 0 की है। इसकी जो फेस वैल्यू है 5 रुपीज़ की है। दूसरी चार्ट है हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड का। पिछले 1 सालों में स्टॉक ने काफ़ी शानदार रिटर्न दिया है। क्रॉस चेक करते हैं, कंपनी हज रेवेन्यू पर कंपनी ने अपना कर्जा कम किया जो कि बहुत ही अच्छी बात है। क्रॉस चेक करते हैं, ऑर्डर होल्डिंग भी लो 32.34%, कंपनी में ऑर्डर्स की होल्डिंग कम है 32.34% की। फाउंडियन लाइबिलिटीज ऑफ रुपीज़ 83.36 करोड़, कंपनी को फाउंडियन लाइबिलिटीज 83.36 करोड़ की। अर्निंग्स इंक्लूडेड अदर इनकम ऑफ रुपीज़ 22.55 करोड़, कंपनी जो अर्निंग है उसमें अदर इनकम है 22.55 करोड़ की। एयर कंपनी चेक करते हैं, कंपनी जो काम करती है ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करती है, कि जो एसटी है ऑटोमोबाइल्स पैसेंजर कार की है सेक्टर में जो नंबर वन कंपनी है मारुति सुजुकी है, देन महिंद्रा एंड महिंद्रा है, नंबर थर्ड पे हिंदुस्तान मोटर्स है। सेक्टर में काफ़ी कम कंपटीशन है, 3 ही कंपनी है मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा और नंबर थर्ड पे हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड है। हम सब क्वार्टरली चेक करते हैं। दिसंबर 2018 में जो इसकी नेट प्रॉफिट थी 1 करोड़ की थी, और सितंबर 2021 में जो इसकी नेट प्रॉफिट 10 करोड़ की है। तो कंपनी जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ी हुई है
और फिर लॉन्च स्टेट में चेक करते हैं मार्क जोन 10 में जो इसकी नेट प्रॉफिट है वो हमारे 50 करोड़ की है, और मार्च जोन 21 में जो इसकी नेट प्रॉफिट है वो 4 करोड़ की है। तो कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है वो बड़ी अकॉर्डिंग सेल्स ग्रोथ 10 ईयर्स माने 47%, 5 ईयर्स में 8%, 3 ईयर्स में कोई जानकारी नहीं है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 10 ईयर्स में 7%, 5 ईयर्स में 15%, 3 ईयर्स में है 25%। स्टॉक प्राइस ईयर ईयर 10 ईयर्स में 2%, 5 ईयर्स में 11%, 3 ईयर्स में है 15% एंड 1 ईयर में 190%। बैलेंस शीट चेक करते हैं मार्च 10 में जो इसकी टोटल एसेट्स थी 380 करोड़ की थी, और सितंबर 2021 में जो इसकी टोटल एसेट्स है 34 करोड़ की है। तो टोटल एसेट्स है उसमें कमी आई है। कैश फ्लो चेक करते हैं मार्च 10 में जो इसकी नेट कैश फ्लो थी 33 करोड़ की थी, और मार्च 2021 में जो इसकी नेट कैश फ्लो 6 करोड़ की है, जो नेट कैश फ्लो है उसमें कमी आई है। रेशियो चेक करते हैं मार्च 2010 में जो इसकी कैश कन्वर्जन साइकिल्स थी वो -10 की थी, और मार्च 2021 में जो इसकी कैश कन्वर्जन साइकिल है 16 की है। कैश कन्वर्जन साइकिल में सुधार आया है। फिर रोलिंग पैटर्न चेक करते हैं दिसंबर 2018 में प्रमोटर्स के पास 32.34% शेयर थे, और सितंबर 2021 में प्रमोटर्स के पास 32.34% शेयर हैं। प्रमोटर की शेयर होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं है। दिसंबर 2018 में FIs के पास 0.03% शेयर थे, और सितंबर 2021 में FIs के पास 0.02% शेयर हैं। FIs की शेयर होल्डिंग कम हुई है। दिसंबर 2018 में DI के पास 4.88% शेयर थे, और सितंबर 2021 DI के पास 1.32% शेयर है। DI की शेयर होल्डिंग में कमी आई है। दिसंबर 2018 में पब्लिक के पास 62.75% शेयर थे, और सितंबर 2021 में पब्लिक के पास 66.32% शेयर है। पब्लिक की शेयर होल्डिंग बढ़ी हुई। दोस्तों ने रिटेल एनालिसिस किया हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड का। दोस्तों पैसा आपका है तो फैसला भी आपको ही करना है। किसी भी शेयर में निवेश करने के पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य लें। दोस्तों एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।